बॉलीवुड में आधे तो नंगे घूमत हैं भैया, और का उनके साइन का कपड़ा नहीं जो हाथ है। अच्छा हाँ, ड्रग्स पियत हैं, दारू पियत हैं, गांजा पियत हैं। पठान आवे चाहे आवे सठान, अब क्यों देखे सुने न जाए, वो ऐसे रिलीज हो गए तो हो गए। देखे वो कई कई पिक्चर रिलीज भाई हैं, क्यों देखे गवा सलीमा हाल तक जाए के नहीं तैयार है। शाहरुख खान इशार इनके सबके बात न करो भैया, ये सब आदमी यूनिक नहीं लागत है। इशार खाद पहरे सब हियाँ के सुरक्षित नहीं है। बिटिया बहन लड़का बच्चा सब सार शराबी और कबाबी इनके निकल गए। आज के दौर की अगर बात करें फिल्मी दुनिया में आपको लेकर चलते हैं, और फिल्मी दुनिया की कहानी कुछ अच्छी नहीं है, खासकर बॉलीवुड की, क्योंकि बॉलीवुड के तीन खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तीनों खान पानी मांगने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 150-50 300-500 करोड़ की फिल्में 30-25 करोड़ पर चलती हैं और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसका मतलब है सिर्फ पब्लिक, कहीं ना कहीं पब्लिक दुखी है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है और काफ़ी अच्छा विश्लेषण रखते हैं, राजनीति में भी और फिल्मी दुनिया में भी, भीम सिंह जी। इनसे सवाल रहेगा, भीम सिंह जी क्या बॉलीवुड का दौर खत्म होने वाला है? हाँ खत्म हो भाई करे, इनका सारे इनका खान पान का को देखा जाए। अरे भी सैफ अली खान आए, फलाने खान आए, धमाके खान आए, लूट कर इंडिया के खाए पिए, इंडिया के सार नाम लिए इधर उधर के, तो को जात है अब देखे। अब लड़का लोहरी जितने हैं गांव राव के सब ले आए, कहते हैं कि इनके सहन के खान पान के कुछ देखे न जाओ। किसका दौर अब शुरू होगा? अब दक्षिण भारत के बतावत है पिक्चर बढ़िया सलीमा आवत है, और यहाँ बिहार उहार से बन के आवत है, इसे बहुत बढ़िया सलीमा है। उमा एक से एक जौन है, गाना और बजाना और कहानी सब बढ़िया रहत है। आमिर खान और फलाने खान और शाहरुख खान इशार इनके सबके बात न करो भैया, ये सब आदमी यूनिक नहीं लागत है। इशार खाद पहरे सब हियाँ के सुरक्षित नहीं है। बिटिया बहन लड़का बच्चा सब सार शराबी और कबाबी इनके निकल गए, और उसके बाद कहा था सुरक्षित नहीं है। लाल सिंह चड्ढा देखने गए थे क्या आमिर खान के? ना हम क्यों सारे के खान पान के सलीमा देखे नहीं जाए थे, सलीमा देखे जाए थे जो पुराने। अब जैसे कादर खान का हम लोग जानित है, अमजद खान का जानित है, वही सब बढ़िया आदमी रहे। और ये अच्छे आदमी ना आए खाई हैं, रही हैं इंडिया में, कपड़ा खरीदे जाए हैं लंदन और पेरिस, इनका सारे इनका को पूछत है। टॉलीवुड के लोगों का दबदबा बढ़ता चला जा रहा, क्या उसको देखकर बॉलीवुड परेशान है? हाँ दक्षिण भारत के सलीमा और जो उमा सलीमा हम काम करते हैं वो सब बढ़िया हैं, कपड़ा लगता उनका बढ़िया रहा है, ध्यान नहीं दिखावत हुई बेचारे, और मतलब देवी देवता के पूजा पाठ कर सब कुछ दिखावत हैं उनके सबके, अब हियो सब कहूँ चलन होगा। बॉलीवुड में, बॉलीवुड में आधे तो नंगे घूमत हैं भैया, और का उनके साइन का कपड़ा नहीं जो हाथ है। अच्छा हाँ, ड्रग्स पियत हैं, दारू पियत हैं, गांजा पियत हैं, और उसके बाद बनत हैं अपना बड़े धार्मिक और बड़ा वो, और हिंदू मुसलमान के उन्हें सब कमेंट करत हैं। अब शाहरुख खान हुए, वही सैफ अली खान हुए, अब ये सब जने मान लियो तुमका हम लोग अपने टैक्स दे थे, पैक्स दे थे, तुम्हारा सलीमा देखे थे, चार पैसा वही से कमात हो, और उसके बाद उन्हें का गरियावत हो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कल्चर नहीं ठीक है, हिंदुस्तान का खान पान नहीं ठीक है, यहाँ के देवी देवता नहीं ठीक, तो ससुर तुम का को ठीक है जे ठीक हो वहाँ जाओ। शाहरुख खान की फिल्म आने वाली पठान, वो काफ़ी दिनों से बन रही है लेकिन वो माहौल देखकर पछड़ रहे हैं, रिलीज नहीं करवा रहे हैं, बता रहे हैं 800 करोड़ लगा उमा। पठान आवे चाहे आवे सठान, अब क्यों देखे सुने न जाए, वो ऐसे रिलीज हो गए तो हो गए। देखे वो कई कई पिक्चर रिलीज भाई हैं, क्यों देखे गवा सलीमा हाल तक जाए के नहीं तैयार है, इसलिए नहीं तैयार है कि तुम वो काम ही नहीं करत हो। राष्ट्र प्रेम के भावना तुम्हारे अंदर है नहीं, और राष्ट्र प्रेम के भावना जब तक ना हो, खान और किंग और सुपर नायक और फलाने नायक सब फेल हो गए, कोई मतलब अब नहीं है। ऐसे तरह करे ईसाई आ जाए तो उनके बहनी ना हो सलीमा हाल में, क्यों देखे चला जाए खान। पठान की हाँ का तो डर है शाहरुख खान को। हाँ पठान, पठान क्यों उनके रिलीज हो इससे पहले ना आदमी जानत है कि पठान रिलीज हो बे है, शाहरुख खान का आए और ये के सारे देखे ना जायो, बहिष्कार होत है। देखो ये कलाकार हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन ये कलाकार ये खुद हिंदू और मुसलमान कह दिन, ये हिंदू मुसलमान इसे कह दिन, जैसे कोरोना रहा तो जो फंड में एक रुपया इनके लगे नहीं है कि दे दें, लेकिन पाकिस्तान में बही आई है उसके लिए रुपया ढकेले हैं बेचारे। केहू के साथ अगर नाबालिग बेटी या केहू हुए वहीं हुए लड़की मारी गए, इनके लगे 10 रुपया ना हो,
इनके लड़का 1 करोड़ के ड्रग्स पी लिए, 2 करोड़ के पी लिए, उसके लिए इनके लिए पैसा है। अब पक्का कहें कि हम जौन है बहुत धार्मिक हन, पी हैं गांजा और दारू इधर उधर, ये खान हो चाहे पान हो कोई मतलब इनसे नहीं है। अब हर आदमी समझत है का सलीमा का वो दौर गवा जौन आदमी आँखी मूंद के देख लेत रहा, पैसा दे के उकल लेत रहा, अच्छा ही नहीं लागत है। अब ये खान जोकरन का तो क्यों देखे नहीं चाहते, कोई मतलब नहीं है। अरे उमा यहाँ तो ये दिखावत है, यही से तो सात पानी धोए गए हैं, अपना कपना धोए गवा नंगा हो गया सबका धोए डारिस। भाई देवी देवता केहू के धार्मिक देवी देवता का गाली गुप्तारी बकियो या उनके बारे में गलत देखी हो तो आदमी कहाँ तुमका स्वीकार करे। अर्जुन कपूरों के समझ में आ जाए कि खान के साथ है, अब सलीमा बनाई कि ना बनाई, उन्हों ससुर का मनाई हेरते है, उनको जौन बनाई है तो उन्हें पलाप हो जाए, क्यों देखे ना जाए। भाई इनका हेरे रहे खानन का वही बस तय। वहीं तक असल में कुछ निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनका यूँ लागत रहा बगैर खान के पिक्चर ना चले, बगैर पठान के पिक्चर ना चले, लेकिन अब उन्हों सारे का लागे लाग के जौने जौन पिक्चर पलाप करबे हो उमा एक थोड़ खान या पठान ला के छोड़ दियो, वो खत्म पिक्चर खुदे खत्म करवा रहे हैं। हाँ हाँ वो सब लाग गए हैं, वो खत्म करा के रहे हैं, अब वह दक्षिण भारत वाली चले, क्योंकि ये वही जनता है जिसने आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया और ये वही जनता है जो आपको अर्श से फर्श में लाने पे देर नहीं करेगी। आप इसका सीधा साधा उदाहरण देख चुके हैं कि आपकी कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। यूपी टीवी के लिए शिव मस्ती की रिपोर्ट।